सुबह साहब के लिए जो महफिल सजाई है, खुशी होती है कि जाने वालों के लिए कोई तो इदारा है जो उनकी खिदमात को याद रखता है। वरना ये कि लोग चले जाते हैं, घर वाले भी सोया या चालीसवें तक याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। कवि भाई जैसा नाम था उतने ही ताकतवर थे। मेरा और उनका साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स में हुआ, मैंने उनमें अपने को खुश नसीब समझती हूँ कि मैंने कवि भाई के साथ काम किया, बल्कि कवि भाई के साथ पाकिस्तान ही में नहीं, मुल्क से बाहर भी उनकी प्रोडक्शन में, अमेरिका में मैंने काम किया उनके साथ। यहाँ मेरी मुलाकात उनसे एक थिएटर में, जब हम फुरकान हैदर साहब के साथ थिएटर करते थे जब भी थी, मेरी ज़िंदगी जैसे कि इकबाल भाई ने बोला रेडियो से शुरू हुई। और ये वाकई हकीकत है कि ये शख्स इकबाल लतीफ़ जिसका नाम है, जैसे कि शहजाद ने बताया, हम सब इसके बच्चों की तरह बड़े हुए, इन्होंने वाकई हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। इस शख्स ने हमारी रहनुमाई की, हमारी हिफाजत की, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना, कैसे बात करनी है, किसकी क्या इज्जत करनी है, कैसे किसी जगह पे जाके लोगों से मिलना है। बखुदा ज़िंदगी भर हम एहसान मंद रहेंगे इकबाल लतीफ़ के, कि इकबाल लतीफ़ ने हमें